प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, पावा सरकार में महामाफिया राज है। लखीमपुर के किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, गोरखपुर हत्याकांड, इनामी अपराधी का सरेआम खेलना, फरार पुलिस कप्तान व अन्य जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकती। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। जसवंत नगर में विवेक शाह के बनाम शिवपाल होगा मुकाबला। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी दांव पे जमकर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच भाजपा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को उतारकर बड़ा दांव खेला था। इसके साथ ही अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ इटावा की जसवंत नगर सीट से विवेक शाक्य को अपना कैंडिडेट बनाया है। भाजपा प्रत्याशी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में वह जाना पहचाना चेहरा है। यूपी चुनाव के लिए सपा ने 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट की जारी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में गोमती यादव, पूजा शुक्ला, अनुराग भदौरिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल। समाजवादी पार्टी ने उन्नाव की बांगर मऊ से मुन्ना अलवी, लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा, लखनऊ कैंट से राजू गांधी, रायबरेली की बछरावां सीट से श्याम सुंदर भारती, सुल्तानपुर की इसौली सीट से ताहिर खान और बांदा की बबीरू सीट से विशंभर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुमार गुप्ता इटावा जनपद में निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर रहे हैं। इसमें बीजेपी और सपा सबसे आगे नजर आ रही है, लेकिन कई निर्दलीय भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे ही एक निर्दलीय प्रत्याशी इटावा जनपद से सामने आए हैं। इटावा जनपद की सदर विधानसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। ये नामांकन किसी नेता का नहीं बल्कि एक ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार गुप्ता का है। मनोज कुमार गुप्ता ने अपनी कुंडली का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि उनकी कुंडली में विधायक बनने का योग है और इस राज्यों की पुष्टि के लिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया। ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि जनता सभी दलों से परेशान है, नेताओं से परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, इसलिए मैंने दल न चुनकर निर्दलीय नामांकन किया है और चुनाव लड़ने की ठानी है, क्योंकि मेरी कुंडली में विधायक बनने का योग है और मैं इस बार विधायक बनूंगा।